हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ब्लो का वेबसाइट विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। मींस जैसे कि कोई वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल वगैरह वगैरह, कोई सी वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट को ब्लो करना है अपने कंप्यूटर में या पीसी में, उसको चलाना नहीं, या फिर वो बाई चांस आपसे चल जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई सी भी साइट है और आप उसको खोलना नहीं चाहते, ओपन नहीं करना चाहते, तो उसको आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो परमानेंट, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि फेसबुक है, ये www.facebook.com ये साइट है, आपको पता ही होगा, ये बहुत ही काफ़ी फेमस वेबसाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पीसी में ओपन ना होए, ये इसमें खुले ना, आप देख रहे हो आप, ये वेबसाइट खुल गई है मेरे पीसी में, तो ये ओपन ना हो, मेरी पीसी में ओपन ना हो ये, तो उसको कैसे मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, अपने माई कंप्यूटर में जाएं और ये सी जिसमें विंडो डाल रखी है आपने, मतलब जिस ड्राइव में विंडो है, जिस डिस्क में विंडो है आपकी, उस विंडो में जाएं। फिर उसके बाद विंडोज़ के ऑप्शन में जाएं, फिर उसके बाद डिस्क सी में जाके, मींस मेरी विंडो डिस्क सी में है, तो मैं उसके बाद इसमें ये विंडो का ऑप्शन आएगा, विंडोज़ के ऑप्शन आएगा, इसमें जाएं। फिर उसके बाद आपको जाना है सिस्टम 32, ये रहा सिस्टम 32 में जाके, उसके बाद आएगा एक और वो फोल्डर ड्राइवर्स, इसमें जाके ये आ गया, जो ये अब ETC का आया ना, जो फोल्डर आया, इसमें जाके अभी आया होस्ट, अभी ये आपका मेन है, यहाँ यहीं पर आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो भी आपको ब्लॉक करनी है वो आएगी। अब ये है जैसे कि ETC के फोल्डर में जाने के बाद अब ये होस्ट का ऑप्शन आएगा, अब इसको आप ओपन कर लीजिए नोटपैड में और चेक करिए। ये फोल्डर ये ऐसा कुछ आएगा, अब यहाँ पर जो आपको साइट होगी आपकी वो आपको यहाँ पर करनी है, जैसे कि ऐसी सेम करके 127 डॉट ऐसे ही यहाँ पर मैं डाल दूँगा www.facebook.com। अब मैं इसको सेव कर दूँगा और अब मुझे अपना ब्राउज़र बंद करके चलाना पड़ेगा दोबारा से। अब मैं इसमें डालूँगा facebook.com। देखिए दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, अब ये मेरी वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी, अब ये वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है, अब ये वेबसाइट मेरे ब्राउज़र में कोई से भी ब्राउज़र में ओपन नहीं होएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि अब तो मैंने इसमें सेटिंग की हुई है, जो होस्ट का मेरे पास फोल्डर था उसकी सेटिंग करनी पड़ती है पहले, उसमें मुझे अपने यूज़र की परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले होस्ट के जो होस्ट तक जहाँ पर पहुँच गए हो आप, उसकी प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी में आपको क्या करना होगा, नीचे यूज़र पर क्लिक कीजिए, यूज़र, फिर इसको एडिट कीजिए, एडिट के करने के बाद दोबारा से यूज़र पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ये आपके सारे क्लिक होने चाहिए, जो ये सब क्लिक है ना, ये अलो पे होने चाहिए सारी सभी चीज़ें, तो ओके कर दीजिए। फिर एडवांस पे जाइए, यूज़र चेंज परमिशन,
अब इसके बाद जैसे ये यूज़र लिखा रहा है ये मेरे पीसी का नेम है, तो अब इसको एडिट कीजिए। एडिट के बाद नीचे यूज़र एडिट, आप इन सब पे क्लिक कर दीजिए। इन सभी पे क्लिक होना चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। फिर उसके बाद आप ओके कर दीजिए। फिर अब आपका ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट हो। जैसे कि मैं इसमें एक और वेबसाइट डाल देता हूँ, ये सेम रहेगा आगे का 127.0.01 सेम रहेगा, ये सभी के आगे होना चाहिए www. या google.com। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, या फिर यहाँ से जाके सेव। अब मैं अपने ब्राउज़र को एक बार बंद करके चला देता हूँ। ये देखिए अब इसमें गूगल भी नहीं ओपन हो रहा, जो इतनी बड़ी साइट है, इतने अच्छे सर्च इंजन है, वो भी नहीं अब इसमें ओपन हो रहा। इससे और सब कुछ ब्लॉक हो सकता है। ओके फ्रेंड, अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इस वीडियो में। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।